तो गाइस जो भी पास्ट था, जो बीत गया, बोला जाता है कि जो जो बीत गया सो बीत गया, मानो वो बहुत प्यारा था जी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स अभी तक तो आप लोग थंबनेल और टाइटल देख ही लिए होंगे कि आज के वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्लास 11th बर्बाद हो गया और हम लोग क्लास 12th कैसे स्टार्ट करें। और यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं क्लास 11th बर्बाद हो गया, ये किस तरह से बर्बाद हुआ तो मैं आप लोग को बताता हूँ। मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास 11th बिल्कुल ही नहीं पढ़े होंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो पढ़े होंगे लेकिन उनका बैकलॉग हो गया होगा। लेकिन बैकलॉग हो जाने के बाद बच्चे ये सोचने लगते हैं कि क्लास 11 तो बर्बाद हो गया, अब क्लास 12 कैसे स्टार्ट करें, क्लास 12 कैसे समझेंगे, उसका कोई चैप्टर समझ में कैसे आएगा, ये बात सोचते हैं। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि किसी के बहकावे में मत आइए। क्लास 12 स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक वेक्टर्स, फिजिक्स में आप लोगों को बता देता हूँ, अगर फिजिक्स में आप लोग वेक्टर्स नहीं रिवाइज किए तो वेक्टर को जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। और उसके अलावा आपका एक चैप्टर है, आपका रिटेशन चैप्टर है, वो भी जाके जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। और फ्री बॉडी डायग्राम, ये तीन चीज़ है जो आप लोग को फिजिक्स में रिवाइज कर लेना है, क्योंकि ये अगर आप कर लेते हैं तो आपको 12th के फिजिक्स को करने में दिक्कत नहीं होगा। और उसके अलावा अगर आप 10th सही से पढ़े होंगे तो फिजिक्स में तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और 11th यही तीन चीज़ आपको पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री के बारे में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ हैं चैप्टर्स जो आप लोग को 11th का ज़रूरी है 12th का समझने के लिए, जो कि है आप लोग पढ़ेंगे GOC के बारे में, GOC आइसोमरिज्म, ये चैप्टर था। वो अगर आप नहीं पढ़ें क्लास 11th का, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप लोग उसको पढ़ लीजिए, और नहीं भी अगर पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 12th में भी वो सारे चैप्टर्स को करेंगे जो 12th में नेसेसरी है 12th के चैप्टर को समझने के लिए। सो गाइज, जो भी पास्ट था, जो बीत गया, बोला जाता है कि जो बीत गया सो बीत गया, मानो वो बहुत प्यारा था। जी हाँ, जो बीत गया सो बीत गया है, आप लोग उसको मत देखिए, अब जो आने वाला है उसके बारे में सोचिए, मैं आप लोग को बस यही बोलूँगा। तो अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में डिस्क्रिप्शन के नीचे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मेरे इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। जल्दी से जाके इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए, जो कि चैनल से रिलेटेड ही है, उस पर आपको इस चैनल से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। और उसके अलावा अगर आप लोग टेलीग्राम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी चैप्टर्स हम लोग जिस भी दिन पढ़ेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो IIT JEE में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जा चुके हैं, वो सारा क्वेश्चंस मैं उसमें आप लोग को देता रहूँगा डेली, और वो भी उसके आंसर के एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जाने के बाद जल्दी से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए, और जल्दी से इस चैनल यूट्यूब चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज, हम लोग क्लास 12th का स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं, चार तारीख से क्लास 12th स्टार्ट करने वाले हैं। और हम लोग का जो, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हम लोग का जो भी टॉपिक रहेगा वो सारे टॉपिक के बारे में हम लोग कंसेप्ट, पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड मेरा वीडियो रहता है गाइस। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि हम लोग का वीडियो जो रहता है वो कंसेप्चुअल बेस्ड रहता है या फिर नहीं, तो आप लोग क्लास 11th का कोई भी वीडियो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि मेरा वीडियो कंसेप्ट के ऊपर रहता है कि नहीं। मैं आप लोग को बस यही बता रहा हूँ कि क्लास 12th का जो भी चैप्टर्स होगा उसको हम लोग डिटेल में पूरे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और क्लास 12th का स्टार्ट हम लोग 4 तारीख से करने वाले हैं, और कला और डेली हम लोग का वीडियो डलाएगा फिजिक्स से और केमिस्ट्री का, फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड जितना भी होगा, और जो भी चैप्टर्स मैं पढ़ाऊंगा उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे IIT JEE में पूछे जा चुके हैं, वो सारा क्वेश्चंस मैं आप लोग को एक्सप्लेनेशंस के साथ टेलीग्राम चैनल पर देता रहूँगा। तो आप लोग जल्दी से टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस टेलीग्राम चैनल को। और इसके अलावा हम लोग डेली वीडियोस 4 बजे डेली अपलोड कर दिया जाएगा इस चैनल पे, और लाइव भी मैं करूँगा, इसलिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग 4 तारीख को नया चैप्टर्स के साथ 12th का, और इंटरेस्टेड चैप्टर और इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इतना ही, आप लोग जो भी 11th का जो मैंने आपको बताया है जल्दी से उसको रिवाइज कर लीजिए।